नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, एक छोटी सी अपडेट है। एक्चुअली अपडेट बहुत बड़ी है क्योंकि आप सभी वेट कर रहे हो केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट का। तो साथियों, सूचना मिली है, पहले भी सूचना मिल गई थी लेकिन आज एक दो लोगों से और कंफर्मेशन हुआ है। जो अपना रिजल्ट है वो 27 या 28 अक्टूबर को आने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी बन गई है। तो जो अभी रोजगार मेला जो 30 अक्टूबर को होना है, उस रोजगार मेले में अपना जो रिजल्ट है वो आने का चांसेस पूरा पूरा है। इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों का रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है साथियों, अभी कोई साथी थे जो बता रहे थे कि उनको केवी के रिजल्ट की जो पीआरटी का रिजल्ट है उसकी भनक उनको पहले लग गई थी, तो वो कह रहे हैं कि रिजल्ट है वो 27 से 28 तक अपना आ जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, जो रोजगार मेला है इसमें इस बार रेलवे की भी कुछ पोस्ट है, उनका रिजल्ट भी इस जो रोजगार मेला है उसके अंदर आने वाला है। तो साथियों, उम्मीद हम कर सकते हैं कि अपना जो रिजल्ट है इस रोजगार मेला में हमें देखने को मिल जाएगा। मैं 100% नहीं कहता लेकिन जितनी सूचना और जितने सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। पूरा पूरा चांसेस है कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट है वो इस बार हमें देखने को मिलेगा, जिसमें पीजीटी का रिजल्ट 99.99% कन्फर्म है कि रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, एक छोटी सी सूचना थी। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा साथियों, जिन जिनका केवीपीआरटी में सिलेक्शन हो गया है उनको मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपना पर्सनल इंटरव्यू का वीडियो है वो डाल दिया है। उसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि इंटरव्यू में किस तरह से आपको तैयारी करना है। उसमें मेरा सैनिक स्कूल टीजीटी, नवोदय विद्यालय टीजीटी और नवोदय विद्यालय पिछड़ी, जिनमें तीनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उन तीनों का एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने वीडियो उसमें डाल रखा है इंटरव्यू का। तो आप अगर पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस वीडियो को आप देख के अपना कुछ और तैयारी आप उसमें कर सकते हो। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।